ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी किशन कपूर ने कहा कि 12 मई को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चंबा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कपूर ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को घेरते हुए कहा कि हाल को सामने देखकर ये लोग बकलाहट में है। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी किशन कपूर ने कहा कि 12 मई को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चंबा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कपूर ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को घेरते हुए कहा कि हार को सामने देखकर ये लोग बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। कपूर ने कहा कि वीरभद्र सिंह तो ऐसे नेता हैं जो अनाप शनाप बयानबाजी के बाद हमेशा मुकरने की महारत रखते हैं। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह का इस मर्तबा जब ऊपर नीचे की राजनीति का पैंतरा नहीं चल रहा तो अब उन्होंने जाति का दाव खेलना शुरू कर दिया है। किशन कपूर ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री अपनी हार सामने देखकर बौखलाहट में है। लाभ होने वाला है। देखो, ओबीसी भारतीय जनता पार्टी जाति पे विश्वास नहीं करती, ना धर्म पे विश्वास करती। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर नागरिक सम्मान है और हमें ओबीसी का भी बहुत समर्थन है, अन्य जातियों का भी समर्थन, बहुत ज़्यादा समर्थन है। लोग देश हित में, राष्ट्र हित में अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। इसी कारण बहुत सारे कांग्रेस के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली का आपने जिक्र किया है, कब है और कब कहाँ पे? 12 को चंबा में है। की पीड़ा को मैं समझता हूँ। वो आजकल उनके आका और वो स्वयं मुकेश अग्निहोत्री दोनों अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। सरबिर भी ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीटें हिमाचल प्रदेश में भारी अंतर से जीत रही है। 2014 में जो अंतर था उससे कहीं अधिक अंतर से चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वो आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, उनके आका अपने बेटे को मंडी लोकसभा से चुनाव लड़ाना चाहते थे और कांग्रेस हाईकमांड ने उन्हें इनकार कर दिया। मुझे 1998 में जब यहाँ के प्रभारी थे नरेंद्र मोदी जी, तब पहली बार मुझे कैबिनेट के रूप में शपथ दिलाई गई, कैबिनेट मंत्री बना और इस बार जो टिकट दिया वो मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने एकजुट फैसला लेकर मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। कांग्रेस के बड़े बड़े महारथी जो पिछले एक साल से जब से विधानसभा का चुनाव हारे थे, वो कह रहे थे कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जिस वक्त मेरे नाम की घोषणा हुई वो क्यों पीछे हट गए? जरा उनसे मुकेश अग्निहोत्री इसका उत्तर दे पहले। बीजेपी प्रत्याशी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस बार शतरंज के मोहरे नहीं चलेंगे। मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी को हरा चुके हैं। इस बार सुखराम के पुत्र आश्रय की बारी है। इस हार के साथ ही राजनीति के शतरंज के खिलाड़ी कहे जाने वाले पंडित सुखराम की राजनीति का भी अंत हो जाएगा। 23 तारीख को जब परिणाम घोषित होंगे, कांग्रेस को अब भी लग रहा है कि हमारी जमीन खुश्क चुकी है, इसीलिए जाति बाति का वो जहर फैलाकर वो अपने अपना वो सिद्ध करना चाहती है कि हम अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। यहाँ की जनता सब जान चुकी है, कांग्रेस ने हमेशा यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया है। कांग्रेस में भी जो बड़े बड़े नेते थे उनको भी षड्यंत्र के तहत उन्होंने यहाँ समाप्त किया, उनको किनारे किया। अब वो भी बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं और कांग्रेस को अपनी जमीन जब खिसक रही है तो इस प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजी करना भी जो उनको शोभा नहीं दे रहा, अब उनके पांव उखड़ चुके हैं।